नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। झारखंड विधानसभा का 21वां स्थापना दिवस। झारखंड के पहले स्पीकर इंद्र सिंह नामधारी। इंद्र सिंह नामधारी ने 3 बार दायित्व का निर्वहन किया। नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड विधानसभा का 21वां स्थापना दिवस 22 नवंबर 2021 को पूरा हुआ। अब तक 9 विधायकों ने झारखंड विधानसभा के स्पीकर के पद को सुशोभित किए। झारखंड के पहले स्पीकर इंद्र सिंह नामधारी को छोड़ अन्य अब तक दोबारा झारखंड के विधानसभा स्पीकर का दायित्व किसी को नहीं मिल पाया। वर्तमान में रविंद्रनाथ महतो झारखंड के स्पीकर हैं। झारखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष इंद्र सिंह नामधारी ने स्पीकर के तौर पर 3 बार दायित्व का निर्वहन किया। बिहार से झारखंड अलग राज्य बनने के बाद सबसे पहले इंद्र सिंह नामधारी झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष बने। इनका कार्यकाल 22 नवंबर 2000 से 29 मार्च 2004 तक रहा। इसके बाद 4 जून 2004 से 11 अगस्त 2004 रहा। वहीं तीसरा कार्यकाल 15 मार्च 2005 से 14 सितंबर 2006 तक रहा। वहीं वर्ष 2008 में इंद्र सिंह नामधारी को उत्कृष्ट विधायक के सम्मान से सम्मानित किया गया। झारखंड के पहले स्पीकर के तौर पर इंद्र सिंह नामधारी के कार्यकाल के दौरान 29 मार्च 2004 से 29 मई 2004 के बीच फागुन सुमरई ने झारखंड विधानसभा के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर सदन की जिम्मेवारी निभाई। वहीं मृगेंद्र प्रताप सिंह का कार्यकाल 18 अगस्त 2004 से 11 जनवरी 2005 तक रहा। इसके बाद झारखंड विधानसभा के सबा अहमद कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर 12 जनवरी 2005 से 1 मार्च 2005 तक सदन की कार्यवाही का संचालन किया। कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम ने झारखंड विधानसभा की जिम्मेवारी 20 अक्टूबर 2006 से 26 दिसंबर 2009 तक निभाई। झामुमो विधायक शशांक शेखर भोक्ता 25 जुलाई 2013 से 23 दिसंबर 2014 तक झारखंड के स्पीकर बने। इसके बाद बीजेपी विधायक दिनेश उरांव ने 7 जनवरी 2015 से 24 दिसंबर 2019 तक झारखंड विधानसभा के स्पीकर बने। वहीं वर्तमान में रविंद्रनाथ महतो अभी झारखंड के स्पीकर हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।